चंपावत में गुलदार के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम गुलदार को अब तक नहीं पकड़ पाई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। चंपावत जनपद के टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखी ढांग क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते हमले से ग्रामीण वासी परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से गुलदार कई लोगों पर हमला कर चुका है और उन्हें गंभीर रूप से घायल भी, तो वहीं एक ग्रामीण महिला की मौत भी हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पर पिंजरे लगा दिए गए हैं, वहीं क्षेत्र में ट्रैंकुलाइजर टीम भी तैनात कर दी गई है। आप सभी को बताया कि आठवीं मील और टिपन टोप वाले क्षेत्र में टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर लगातार जो है गुलदार का आतंक बना हुआ है। उसी के दृष्टिगत यहाँ लगभग तीन रेंज का जो हमारा स्टाफ है वो लगातार दिन रात गश्त कर रहा है। साथ ही जो है डॉक्टर उनियाल जो ट्रैंकुलाइजर गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए बुलाए गए हैं और वो ट्रैंकुलाइज करने के लिए स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनके दिशा निर्देशन में जो है टीमें वर्क कर रही हैं। 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी, और उसके बाद से लगातार हमारी तीन रेंजों की टीम चंपावत बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, तीन रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। और हल्द्वानी वेस्टर्न सर्कल से डॉक्टर आयुष उनियाल भी हमारे साथ हैं। बीच में एक दिन हमें गुलदार मिला भी, डांट भी लगी, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद, क्योंकि वो चट्टानी एरिया में चला गया था, अपहिल में चला गया था, दो घंटे तक हम लोगों ने उसका सर्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। फिर में अभी तक जो हमारा 13 लोगों को अभी तक घायल कर चुका है, और 12 से 13 लोगों को घायल कर चुका है, और लगातार प्रयास हो रहे हैं। पिंजरे लगे हुए हैं, आज ही पिंजरों की लोकेशन भी चेंज की गई है, 3 पिंजरे लगे हुए हैं क्षेत्र में, तो या तो पिंजरे में फंस जाए या फिर ट्रैंकुलाइज हो जाए, जैसे ही उसकी लोकेशन मिलती है हम लोग पूरी कोशिश। वन विभाग की टीम अब तक गुलदार नहीं पकड़ पाई है, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। ग्रामीणों को अपने बच्चों की शिक्षा और जीवन की चिंता सता रही है। मैं ये कहना चाहते हैं उसको पकड़ो चाहे कुछ करे जंगलात वाले, ठीक है। हमारे बच्चों को शिशु मंदिर हम छोड़ने को जा रहे हैं, सुबह फिर लेने को जा रहे हैं, फिर शमलाताल छोड़ने को जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चे फिर लेने को जा रहे हैं, और डर हो रही है, हम लोगों की भी डर हो रही है। या तो सरकार हमारे के लिए वो कर दे, क्या वो घर में टीचर भेजते, जानवर पाले के जानवरों के लिए घास भेजते, ठीक है, और हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो घर में भी डर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।